नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं वन इंडिया। सोनी राजदान बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम है। सोनी राजदान मशहूर फिल्म निदेशक महेश भट्ट की वाइफ और आलिया भट्ट की मॉम है। आइए जानते हैं सोनी राजदान के बारे में उनकी कुछ अनसुनी कहानियां। सोनी राजदान को फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री के लिए जाना जाता है। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मंडी, सारांश जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए पहचाना जाता है। वो सड़क फिल्म में भी नजर आई थीं। इसके अलावा कई फिल्मों में सोनी राजदान को देखा गया। सोनी राजदान को उनकी एक्टिंग के लिए काफी प्रशंसा मिली है। सोनी राजदान एक भारतीय ब्रिटिश मूल की भारतीय निर्देशक और अभिनेत्री हैं। सोनी राजदान का जन्म 25 अक्टूबर 1962 को बर्मिंघम, यूके में हुआ। सोनी राजदान की शादी भारतीय फिल्म निदेशक महेश भट्ट से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, आलिया और शाहीन भट्ट। सोनी राजदान से शादी करने के लिए महेश भट्ट ने इस्लाम कबूला था। महेश भट्ट अपनी पहली वाइफ को तलाक नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूला और सोनी राजदान से शादी की। पूजा भट्ट और राहुल भट्ट उनके सौतेले बेटे हैं। सोनी राजदान ने अपने करियर की शुरुआत अंग्रेजी थिएटर से की थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी थिएटर बंद दरवाजे से शुरुआत की। वो दूरदर्शन के हिट टेलीविजन शो बुनियाद में सुलोचना की भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। उन्होंने इसके अलावा कई हिंदी शोज में भी काम किए, जिसमें साहिल गाथा जैसे शो शामिल है, और ये शो उस वक्त के काफी पॉपुलर शोज में से एक थे। साल 2002 में अभिनय छोड़कर निर्देशन में किस्मत आजमाने का सोचा सोनी राजदान ने। उन्होंने स्टार प्लस के शो और एक का निर्देशन किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। मंडी, सारांश, त्रिकाल, खामोश, 36 चौरंगी लेन, पेस 3 और सड़क जैसी नायाब फिल्मों के लिए अपने शानदार अभिनय से पहचान बनाने वाली सोनी राजदान पिछले काफ़ी वक्त से थिएटर और फिल्म निर्देशन के काम में बिजी होने की वजह से एक्टिंग से दूर हो गई थी। हालांकि वो फिल्म राजी में एक बेहद छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल रोल में नजर आई थी। सोनी राजदान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके साथ भी एक बार रेप करने की कोशिश की गई थी। सोर्सेस की माने तो सोनी राजदान ने एक इंटरव्यू में इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वो शूट पर थीं और एक शख्स ने उनके साथ रेप करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि यह हादसा होने ही वाला था, लेकिन किस्मत से वो बच गईं। उन्होंने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस शख्स का परिवार सफ़र करे। वो शख्स परिवार वाला आदमी था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उनका कहना था कि अगर मैं कुछ बोलती तो उसके बच्चों और परिवार को गलती की सज़ा भुगतनी पड़ती। सोनी राजदान ने मीटू कैंपेन पर सख्ती के साथ कहा था कि अगर आज मेरे साथ कुछ होता तो मैं कुछ और स्टेप लेती, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सोनी राजदान बेहद खूबसूरत हैं और आज भी वो बेहद खूबसूरत दिखती हैं। सोनी राजदान और आलिया भट्ट की बॉन्डिंग अक्सर देखी जाती है। सोनी राजदान के बेहद करीब हैं उनकी बेटी आलिया भट्ट। तो ये हैं सोनी राजदान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।